नमस्कार मित्रों, अटल अनुसंधान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में आपने भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका एवं राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत संघ की शुरुआत करते हैं। संघ सरकार द यूनियन। भारतीय संविधान का भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक संघ सरकार के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, संविधान के भाग 5 को 5 अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि भाग 5 को कितने अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है, तो 5 अध्यायों में। अब यहां पर आप देख रहे हैं कौन कौन से अध्याय हैं। भाग 5 संघ द यूनियन, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक संघ के बारे में प्रावधान किए गए हैं। भाग 5 को 5 अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है। अध्याय 1 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक संघीय कार्यपालिका के बारे में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की भाग 5 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बाद अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक व्यवस्थापिका के बारे में प्रावधान किया गया है। व्यवस्थापिका में आपको लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में अध्ययन करना है। यदि आपसे प्रश्न पूछता है संसद के कितने अंग होते हैं, तो इसका आंसर है 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित होने के बाद कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप धारण नहीं करता जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं हो जाते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछता है संसद के कितने अंग हैं, तो इसका आंसर है 3 अंग हैं। इसके बाद अध्याय तीन में अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। जब लोकसभा एवं राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है और तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति के आदेश से कानून का निर्माण हो जाता है और ऐसे कानून को अध्यादेश कहा जाता है। किंतु जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है, तो 6 सप्ताह के अंदर फिर इस कानून को पारित करा लिया जाता है। अगर संसद इस कानून को पारित कर देती है तो हमेशा के लिए बना रहता है, अगर 6 सप्ताह में पारित नहीं करती तो अध्यादेश का प्रभाव समाप्त हो जाता है और वह कानून के रूप में प्रवर्तन में नहीं रहता। इसके बाद अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका के बारे में प्रावधान। अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक संघ की न्यायपालिका के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत आपको सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का अध्ययन करना है। इसके बाद अध्याय 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं संघ सरकार में आपको
पांचों अध्याय का एक एक करके सीरियल से आपको अध्ययन करना है। अध्याय एक कार्यपालिका, अध्याय दो व्यवस्थापिका, अध्याय तीन राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, अध्याय चार संघीय न्यायपालिका और अध्याय पांच भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यहां पर आप देख रहे हैं शासन के तीन अंग हैं और आपके पाठ्यक्रम में तीनों अंग दिए हुए हैं और तीनों अंगों के बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। यहां पर आप देख रहे हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य होता है कानून का निर्माण करना, विधि निर्माण करना, और कार्यपालिका का कार्य है इन विधियों के अनुसार व्यवस्थापिका द्वारा बनाई गई विधियों के अनुसार शासन चलाना और इन विधियों को लागू करना। इसके बाद आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य है विधियों में विवाद होने पर व्यवस्थापिका द्वारा बनाई गई विधियों में विवाद होने पर समाधान प्रस्तुत करना तथा न्याय प्रदान करना। इस प्रकार से व्यवस्थापिका का कार्य है कानून निर्माण करना, कार्यपालिका इन कानूनों को लागू करती है, इन कानूनों के अनुसार शासन चलाती है एवं न्यायपालिका का कार्य है न्याय प्रदान करना। अगर विधियों में विवाद होता है तो उसका समाधान प्रस्तुत करना। तो आइए यहां पर भारतीय संविधान के भाग पांच के अंतर्गत आप कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज से कार्यपालिका की शुरुआत करते हैं। कार्यपालिका का सामान्य परिचय। व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। सरकार, यहाँ पर आप देख रहे हैं दो प्रकार की सरकारें हैं। एक है संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और दूसरा है अध्यक्षीय सरकार, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। संसदीय सरकार में दोहरी कार्यपालिका होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्यपालिका कैसी होती है, दोहरी कार्यपालिका होती है, और यहाँ पर अध्यक्षीय सरकार में एकल कार्यपालिका होती है। तो दोहरी कार्यपालिका में क्या होता है, एक कार्यपालिका होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, इसे औपचारिक कार्यपालिका भी कहते हैं और इसे संवैधानिक कार्यपालिका भी कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे ब्रिटेन का राजा और भारत का राष्ट्रपति, और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका या व्यवहारिक कार्यपालिका। इसके उदाहरण है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिपरिषद, एवं दूसरा उदाहरण है भारत का प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संविधान द्वारा शक्तियाँ यहाँ पर औपचारिक कार्यपालिका को प्रदान की गई है। ब्रिटेन में राजा होता है, राजा को प्रदान की गई है, और भारत में राष्ट्रपति को। किंतु उन शक्तियों का व्यवहारिक प्रयोग प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं दो भागों में बटी हुई हैं, किंतु अध्यक्षीय सरकार में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होता है, एकल कार्यपालिका होती है, और दोनों प्रकार की शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं, वो है राष्ट्रपति। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है अमेरिका का राष्ट्रपति। वहां पर दो प्रकार की कार्यपालिका नहीं है, सिर्फ एक ही प्रकार की वहां पर एकल कार्यपालिका है, और संवैधानिक शक्तियां और वास्तविक शक्तियां दोनों प्रकार की शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास निहित होती हैं, वह है राष्ट्रपति। इसका उदाहरण है अमेरिका का राष्ट्रपति। अब थोड़ा सा इनका तुलना करते हैं। एक तरफ है संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरी तरफ है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में अभी आपने पढ़ा है दोहरी कार्यपालिका एक संवैधानिक संविधान द्वारा प्रदान की जाती है, इसको औपचारिक भी कहते हैं और इसको नाम मात्र की कार्यपालिका भी कहते हैं, और दूसरी होती है व्यावहारिक कार्यपालिका। इसी तरह से अध्यक्षीय शासन में एकल कार्यपालिका होती है, राष्ट्रपति में ही संवैधानिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की शक्तियां निहित होती हैं। इसमें क्या होता है,
सामूहिक उत्तरदायित्व तो इसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है सामूहिक रूप से। आप जानते हैं कि सदन में मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अगर कोई भी मंत्री सदन में विश्वास खो देता है, एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। कहा जाता है मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं। अगर एक किसी भी मंत्री के खिलाफ सदन में प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। किंतु यहाँ पर अध्यक्षीय शासन में उत्तरदायित्व का अभाव होता है। इसके बाद दोहरी सदस्यता। संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी सदस्यता होती है, पहली सदस्यता विधायिका की और दूसरी सदस्यता मंत्रिपरिषद की होती है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। दोस्तों भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जितने भी मंत्री हैं सबको विधायिका का सदस्य होना आवश्यक होता है, चाहे वो हो लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बना दिया जाता है और वह लोकसभा और राज्यसभा में से किसी का सदस्य नहीं होता तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर सदन का सदस्य बनना होता है, अगर नहीं बनता तो उसको इस्तीफा देना होगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, केशव प्रसाद मौर्य तथा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के सदस्य नहीं थे। योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, केशव प्रसाद मौर्य जी एवं दिनेश शर्मा जी को उप मुख्यमंत्री के रूप में रखा गया, किंतु तीनों लोग ही जो है विधायिका के सदस्य नहीं थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी संसद के सदस्य थे, केशव प्रसाद मौर्य जी संसद के सदस्य थे और दिनेश शर्मा जी किसी के भी सदस्य नहीं थे, तो इनको उत्तर प्रदेश में मंत्री बना दिया गया। किंतु इनके लिए ये रूल था कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर विधायिका की सदस्यता लेना होगा। तो इस प्रकार से चाहे वो तो विधानसभा की ले लेते या फिर विधान परिषद की, इसके बाद ये 6 महीने के अंदर तीनों लोग विधान परिषद से चुनाव जीत गए थे, इसलिए जो है मंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री पद पर बने रहे हैं। तो इनको जो है यहाँ पर दोहरी सदस्यता होती है, एक तरफ विधायिका की सदस्यता और दूसरी तरफ मंत्रिपरिषद की सदस्यता। इसके बाद यहाँ पर अध्यक्षीय शासन में एकल सदस्यता होती है, मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। इसके बाद संसदात्मक शासन व्यवस्था में, इस शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। इस व्यवस्था में अध्यक्षीय व्यवस्था में राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है, राष्ट्रपति ही दोनों प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है। इसके बाद पांचवें में संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी इसको कहा जाता है। इसके बाद अध्यक्षीय को गैर उत्तरदायी, गैर संसदीय एवं निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद है यह सरकार संसदीय सरकार ब्रिटेन, जापान, कनाडा तथा भारत में प्रचलित है। भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। दूसरी तरफ अध्यक्षीय शासन व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्रीलंका में प्रचलित है। संसदीय शासन व्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण ब्रिटेन एवं भारत है, जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो
संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को आपने पढ़ा है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है और ये अच्छे प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, हम ऐसे उम्मीद करते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत की में संसदीय शासन व्यवस्था है या फिर अध्यक्षी, तो संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। अब बात करते हैं भारत में संसदीय शासन व्यवस्था। आप जानते हैं संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है, अभी आपको ऊपर हमने बताया था, एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, इसको कहते हैं संवैधानिक कार्यपालिका और इसी को औपचारिक कार्यपालिका भी कहते हैं। इसका उदाहरण है भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद दूसरी जो कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका या व्यावहारिक कार्यपालिका, इसका उदाहरण है प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्री परिषद। तो यहाँ पर संवैधानिक, संविधान जो है राष्ट्रपति को शक्तियां प्रदान करता है, कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में लिखा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें? राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। तो यहाँ पर लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। कार्यपालिका का, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, इसका आंसर है राष्ट्रपति। और दूसरा है वास्तविक या व्यवहारिक कार्यपालिका। संविधान द्वारा तो राष्ट्रपति को शक्तियां प्रदान की गई हैं, किंतु राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। इस प्रकार से कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा नहीं अपितु प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति ही प्रधान होता है, इसलिए इसको प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार भी कहा जाता है। आप जानते हैं भारत का राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, किंतु इसकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है, 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आधी लाइन ये हो गया और अगला इसके आगे का है किंतु वह इसका प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। तो अधीनस्थ पदाधिकारियों की बात करें तो वो है प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। किंतु एक महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। यदि मान लीजिए बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति कोई कार्य नहीं कर सकता, मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति को कार्य करना है। एक उदाहरण है, मान लीजिए मंत्रिपरिषद ने, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है, तो राष्ट्रपति उसको पढ़ करके एक बार पुनः पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल को वापस कर सकता है। किंतु यदि दोबारा से मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के पास पुनः भेजती है उसी सलाह को, तो राष्ट्रपति उसकी बात मानने को बाध्य है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको बाध्य किया गया है कि राष्ट्रपति को उसकी बात मानना, प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद की बात मानना ही होगा। एक बार वो लौटा सकता है, किंतु अगर दोबारा वो सलाह दी जाती है, हो सकता है उसी रूप में दे या फिर थोड़ा सा संशोधन करके दे, राष्ट्रपति को सलाह को मानना ही होगा। इसके बाद है सभी प्रकार के मंत्रियों
इसमें मंत्रिपरिषद की बात की गई है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे, सभी प्रकार के मंत्रियों, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और एक और होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री, सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है, और केवल कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। कैबिनेट मंत्रियों में महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, महत्वपूर्ण विभाग इनको दिए जाते हैं, और संपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक तो कभी कभी होती है, सारे निर्णय मंत्रिमंडल से ही यानी कैबिनेट मंत्रियों की सलाह से ही लिए जाते हैं। भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अतः भारत का राष्ट्रपति देश का सिर्फ संवैधानिक, इसको कहेंगे औपचारिक या नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक रूप से कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं, वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा में मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, मंत्रियों को इन प्रश्नों का जवाब देना होता है। यदि किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। जब मंत्रिपरिषद का लोकसभा में विश्वास नहीं होगा तब फिर सरकार नहीं चल सकती, इसलिए नैतिक रूप से इस्तीफा देना होता है। इसके बाद इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश समूह लिखा यहाँ पर सम्राट कर लीजिएगा, ब्रिटिश सम्राट के समान है, किंतु थोड़ा सा अंतर है। जहां ब्रिटिश सम्राट का पद वंशानुगत है, वहीं भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है। ब्रिटेन का सम्राट हमेशा वंशानुगत होता है, पिता की मृत्यु पर उसका बेटा या बेटी राजा बनता है, इसके बाद ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। किंतु भारत में एक संसदीय लोकतंत्र तथा गणराज्य स्थापित किया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था के साथ साथ लोकतंत्र को स्थापित किया गया है। भारत में राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होता। बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, गणराज्य का मतलब क्या है? इसका मतलब है भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वह निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। इसके बाद है भारत की संघीय कार्यपालिका। भारत की संघीय कार्यपालिका, यहां पर इंग्लिश में थोड़ा सा ई यहां पर एक और जोड़िएगा, भारत की संघीय कार्यपालिका। संविधान का भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है, अभी आपने देखा ही है संघ सरकार से संबंधित है। भाग 5 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक संघीय कार्यपालिका के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसको आपको याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक संघीय कार्यपालिका के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अब देखते हैं संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका का भाग 5 दिया हुआ है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 78। कितनी बार 52 से लेकर के 78 बोल चुके हैं, अब तो आपको याद हो गया होगा। इसमें पहला है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके बाद आता है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है, कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। याद रखिएगा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा वह राज्यसभा का अपने आप सभापति हो जाएगा। इसके बाद है प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद अनुच्छेद 74 के अंतर्गत
मंत्रिपरिषद आपको पढ़ना है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है, राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद, और फिर 75 में कहा गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की व्यवस्था की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 76 आप पढ़ेंगे, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। तो संघीय कार्यपालिका में आपको राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद मंत्रिपरिषद, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सबको एक एक करके पढ़ना है। तो यहां पर है भारत का राष्ट्रपति। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति से शुरुआत करेंगे। आइए इसको एक बार देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहली बात, भाग 5 में किसका प्रावधान किया गया है? ऑप्शन में आपको देगा संघ सरकार, राज्य सरकार, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, लेकिन यहां पर इसका आंसर है संघ सरकार। इसके बाद पूछेगा संघ सरकार से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 में। इसके बाद कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 52 से 78, व्यवस्थापिका के बारे में 79 से 122, और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123। इसको जरूर याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके बाद न्यायपालिका के बारे में अनुच्छेद 124 से 127, इन सबको आपको याद रखना है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, संसदीय है या अध्यक्षीय? तो इसका आंसर है संसदीय। संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर है ग्रेट ब्रिटेन की संविधान से ली गई है। इसके बाद आपसे पूछता है भारत संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। औपचारिक प्रधान, भारत का राष्ट्रपति, या फिर नाम मात्र की कार्यपालिका क्या है? भारत का राष्ट्रपति। ऐसे ही पूछ लेगा वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिपरिषद। इसके बाद पूछेगा कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद यहां पर आपको याद रखना है अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति, 53 के तहत उपराष्ट्रपति, 75 के तहत प्रधानमंत्री, 74 में मंत्रिपरिषद, और 76 में महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा, और ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कोई भी प्रश्न यदि आपकी समझ में नहीं आया है, आप उसको पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।